अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महरूम। आखिरकार नसरीन की दुआएं काम आ ही गई और अल्लाह के हजूर कबूलियत का शर्फ मिल ही गया उनको और उमैर बिल्कुल ठीक हो गया। और इन दुआओं का इतना असर हुआ कि उमैर, जो कि अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहता था, अब हर लिहाज से ठीक हो गया और अम्मी अम्मी पुकारना शुरू हो गया और सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। माँ ज़ायरा के पास भी आई और कहा कि मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है, उसको माफ़ कर दो और उसके लिए दुआ करो। और यहाँ पर साद की माँ भी आ गई और कहा कि नसरीन बहुत अच्छी है, वो पॉजिटिव माइंड औरत है, ये ना हो कि वो तुम्हें कहे और तुम दोबारा उमैर की तरफ वापस चले जाओ। तुम साथ से शादी कर लो, अगर तुम साथ से शादी करोगे तो ऐसी कोई मुश्किल तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी फिर से। साथ भी उमैर की खैरियत मालूम करने आया और साथ ही साथ उसको ये भी कह दिया कि अब मेरे और ज़ायरा में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, मैं ज़ायरा से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसको बहुत खुश रखूँगा, लेकिन हमारे दरमियान तुम दीवार बने हुए हो। तुम ज़ायरा को जल्दी से जल्दी तलाक दे दो ताकि मैं ज़ायरा से शादी कर लूँ और उसका भी खुशियों पर हक है, और मैं उसको वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम नहीं दे पाए या तुम नहीं देना चाहते थे। तुमने उस पर शक किया लेकिन मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूँ, ज़ायरा मेरी मोहब्बत है और अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसको छोड़ो ताकि मैं उसको अपना लूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि उमैर ज़ायरा को छोड़ देगा? और अगर छोड़ भी देगा तो क्या ज़ायरा साद के पास चली जाएगी या ज़ायरा उमैर को ख़ुद को डिवोर्स देने देगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।